हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशु मैम में। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास के रूल्स क्या क्या होते हैं। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए, टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पता करते हैं कि बोर्ड मास रूल एक्चुअली होता क्या है। बोर्ड मास सबसे पहले बी, जो बी है वो किसके लिए स्टैंड करता है? बी स्टैंड करता है ब्रैकेट्स के लिए। जो बी लेटर है हमारा वो स्टैंड करता है ब्रैकेट्स के लिए, और जो ओ वर्ड है वो स्टैंड करता है ऑफ के लिए, इंग्लिश का जो वर्ड ऑफ होता है उसके लिए। और जो डी वर्ड है वो हमारा होता है डिविजन, डी हमारा होता है डिविजन के लिए। और जो M वर्ड है, M होता है मल्टीप्लीकेशन के लिए, M is for मल्टीप्लीकेशन। ऐसे ही आपको अंदाजा हो गया होगा, जो A वर्ड है वो एडिशन के लिए स्टैंड करता है, A जो है वो एडिशन के लिए स्टैंड करता है। और जो S वर्ड है किसके लिए स्टैंड करता है? सब्ट्रैक्शन के लिए। जो S वर्ड है वो हमारा हो जाएगा सब्ट्रैक्शन के लिए। इस तरह से जो बोर्ड मास हमारा है उसकी फुल फॉर्म होती है ब्रैकेट ऑफ डिविजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम बी को देखते हैं। जो बी है हमारा वो किसके लिए स्टैंड करता है? ब्रैकेट्स के लिए। जो ब्रैकेट्स किसी भी क्वेश्चन में अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन या डिविजन होता है उसके साथ अगर ब्रैकेट्स आता है, ब्रैकेट्स तीन तरह के होते हैं, इनों में से कोई भी ब्रैकेट्स आते हैं तो हम उसको सबसे पहले सोल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट्स को सोल्व किया जाता है, उसके बाद जो है हम अपने सिंबल्स की तरफ जाते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा जो एग्जांपल हो जाएगा वो देखते हैं। 8 + 15 + 5 - 5 - छोटी वाली ब्रैकेट है वो 4 + 2 - 3। अब जितनी भी हमारी ब्रैकेट्स हैं उनको सीरीज से बंद करते हैं, ये हो गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो एक ही क्वेश्चन में तीनों टाइप्स की हमने ब्रैकेट्स को ले लिया है। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। छोटी ब्रैकेट के साथ क्या करेंगे, जो 4 और 2 है ये हो जाएगा 6 - 3, तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा 3। जो ये हमारी ब्रैकेट है वो खत्म होके 3 हो गई है। सेम लाइन को हम फिर से लिखते हैं, लेकिन इसको ना लिख के हम सीधा 3 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 8 + 15 + 5 - 5 - इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, और जो छोटी ब्रैकेट है वो कट जाएगी और हमारी दो ब्रैकेट्स बच जाएंगी। अभी हम बड़ी वाली ब्रैकेट को छोड़ के बीच वाली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, 5 में से अगर 3 को माइनस करेंगे वो हो जाएगा 2। तो इसी तरह से जो दूसरी वाली भी है वो हमारी सॉल्व हो चुकी है। तो चलिए आगे देखते हैं। जो हमारी ये ब्रैकेट है ये भी सॉल्व हो चुकी है, इसका आंसर हमारे पास 2 आ गया। अभी जो हमारे पास क्वेश्चन बचता है उसमें सिर्फ बड़ी ब्रैकेट बचती है। चलिए समझाने के लिए लिख देते हैं। 8 + 15 + 5 - इस पूरी ब्रैकेट की बजाय हम क्या लिखेंगे, 2, और सिर्फ एक ही ब्रैकेट हमारे पास बचती है उसको लिख देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 8 है उसको एज इट इज लिख देते हैं, प्लस बड़ी ब्रैकेट एक ही बची है इसलिए इसको सोल्व कर देते हैं। जो 15 और 5 है वो हमारा हो जाएगा 20, और जो लास्ट में हमारे पास बचा है वो हो जाएगा हमारा 2, वो हो गया 2। अभी आप देख सकते हैं 8 और ये हो जाएगा हमारा 18, 8 में से 8 को हमने ऐड करना है 18 के साथ, तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा 26। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा, अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम और भी आसान तरीकों से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अभी हमने देखा कि जो बोर्ड मास में बी है वो किसके लिए स्टैंड करते हैं। अभी हम चलते हैं अगले अल्फाबेट की तरफ जो कि हमारा है ओ।
ओ स्टैंड करता है ऑफ के लिए, ऑफ के लिए जो मल्टीप्ली मैच है उसमें जो ऑफ वर्ड है वो हमारा मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होता है, इसको हम एज अ मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो हो जाएगा 4 ऑफ 8 डिवाइड बाय 2 प्लस 3। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमने एक ऑफ लिया है, ऑफ का क्या मतलब होता है, जो ये ऑफ है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो ये बाकी क्वेश्चन है एज इट इज चलता रहेगा। 4 8 जा होता है 32, ये हो गया हमारा 32। और फिर उसके बाद हम देखेंगे डिविजन, डिविजन ये 2 यहाँ है तो ये डिवाइड में आ जाएगा यहाँ, और जो 3 है वो हमारा एज इट इज चल जाएगा। जो 2 है ये इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 16। जो 16 के साथ 3 है उसको हम ऐड कर देते हैं, वो हमारा हो जाएगा टोटल 19। तो इस स्टेटमेंट का आंसर हमारा क्या आ जाता है, 19 आ जाता है। तो चलते हैं अगले अल्फाबेट की तरफ जो कि हमारा है डी, डी फॉर डिविजन। डिविजन को भी हमने जैसे ऑफ को सॉल्व किया है उसी तरह से डिविजन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको भी समझने के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई विथ 4 माइनस 3 एंड प्लस 5। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, बोध मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें डिविजन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 को अगर 5 के साथ डिवाइड करेंगे और बाकी नंबर्स को एज इट इज रखेंगे, ये हमारा हो जाएगा 2। 2 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू जा 8 माइनस 3 प्लस 5। अभी 3 को 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस 5, जो हमारा फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 10। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद चलिए डिवीजन के बाद हम देखते हैं अगला वर्ड जो कि है M। M स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन को अच्छे से समझने के लिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 4। इसमें आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट सिंबल है वो एडिशन का है, उसको स्किप कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 4 और 2 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 जो टोटल ग्रैंड टोटल हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 16। इसी तरह से हमने आपको मल्टीप्लीकेशन का भी रूल समझा दिया है। इसमें आपको अगर कोई भी सिंबल दिखता है जिसमें प्लस या माइनस के साथ मल्टीप्लीकेशन है तो आपको याद रखना है सबसे पहले आपको मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करना है। इसी के साथ चलिए देख लेते हैं एडिशन का भी एक क्वेश्चन। एडिशन जो एम के जस्ट बाद आता है ए, उसके लिए स्टैंड करता है। हम अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं एडिशन को अच्छे से समझने के लिए। 98 डिवाइड बाय 7 प्लस 26। भले ही हम एडिशन को समझने के लिए देख रहे हैं लेकिन अगर एडिशन से पहले कोई और सिंबल है जैसे मल्टीप्लीकेशन या डिविजन का, तो पहले हमें मल्टीप्लीकेशन और डिविजन को ही सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं 98 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, 98 को 7 से डिवाइड करेंगे और 26 को साथ में ऐड करेंगे, तो जो 98 है उसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे वो हमारा हो जाएगा 14। 14 में हमें क्या ऐड करना है, 26, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 14। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ आ रही है। तो चलिए देखते हैं लास्ट अल्फाबेट जो कि एस है। एस जो है वो स्टैंड करता है सब्ट्रैक्शन के लिए। इसे भी अच्छे से समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल लेवल लेते हैं जिसमें न्यूमेरिकल हमारा हो जाएगा 12 माइनस 5 मल्टीप्लीकेशन विद 4 डिवाइड बाय 2। सबसे पहले सब्ट्रैक्शन का सिंबल है उसको स्किप करेंगे, एज इट इज लिखेंगे 12 माइनस 5।
जो डिविजन का सिंबल है उसको पहले सॉल्व करेंगे, इसलिए मल्टीप्लीकेशन को भी एज इट इज लिखेंगे। ये हो जाएगा 4/2, 2 से ये 2 आ जाएगा। अभी चलते हैं अगली लाइन पे, ये हो जाएगा हमारा 5 × 2 जो कि हो जाएगा 12 − 10। हो गया 12 में से अगर 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 2। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।